स्टूडेंट ऑफ सेवंथ एच पर्सनल इंटीग्रेशन के सेवंथ एच पहला सवाल आई लगाइए बराबर टेन वन प्लस लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स फिर टेन वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स नीचे बटे एक्स लिख दो। इस टेन के साथ ये कौन दिक्कत कर रहा है, तो माना टी बराबर वन प्लस लॉग एक्स एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी टी बाई डी एक्स वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स तो डी टी बराबर डी एक्स बटे एक्स। फिर लीजिए यहाँ लिखिए टेन टी यहाँ डी टी टेन का होता है लॉग सेक टी प्लस सी और लॉग सेक टी की जगह रख दीजिए वन प्लस लॉग एक्स। फिर से देखिए ये टेन दिया कोण दिक्कत करता है, टेन इसके जानते सेक होता है तो कोण दिक्कत कर रहा है, कोण को ही मान लिया उसका इसके सापेक्ष अवकलन कर दिया तो डी टी बराबर डी एस बाई एक्स आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे टेन का फार्मूला तो लॉग सेक सवाल नंबर दो यहाँ दिया हुआ है टेन एक्स बटे लॉग सेक एक्स डी एक्स। फिर देखिए नीचे वाला समस्या खड़ी करेगा जिसको माना टी बराबर लॉग सेक एक्स एस के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी यहाँ टी यहाँ एक्स यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स डी टी बाई डी एक्स लॉग का वन अपॉन सेक एक्स। फिर सेक एक्स का दोबारा करना पड़ेगा सेक एक्स तो आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स काट दीजिए डी टी बाई डी एक्स डी टी बराबर टेन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ आइए आई बराबर लिखेंगे आई बराबर यहाँ वन अपॉन टी और ये डी टी ये हो जाएगा फार्मूला लॉग टी प्लस सी लॉग जो माना है वो लिख दीजिए लॉग सेक एक्स प्लस सी। सवाल नंबर चार आई बराबर ऊपर है सेक एक्स नीचे है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ डी एक्स इस पूरे को ही माना जाएगा। माना टी बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स फिर जो मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं अवकलन क्या करेंगे अवकलन किसके सापेक्ष एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई डी एस का इधर गुणा डी वाई डी एस का इधर गुणा। डी वाई डी एस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये आपका डी टी वाई डी एस आ जाएगा और लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स एक्स में वही लिखेंगे जो लिखा हुआ और जो मन में माना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स को उसका दोबारा अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी टी बाई डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स अवकलन में यहाँ नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऊपर से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स काट दीजिए और सेक एक्स डी एक्स और यहाँ पर डी टी। फिर देखिए बराबर ऊपर डी टी नीचे वन अपॉन टी आ जाएगा लॉग
टी प्लस सी लॉग टी की जगह मान रख दीजिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका सवाल हो गया। सवाल नंबर 5, आई बराबर अंडर रूट साइन 2x और कॉस 2x dx, सवाल ये लिखा हुआ है। फिर देखें इस रूट वाले को पूरा मानिए, माना t बराबर अंडर रूट साइन 2x, जब भी रूट हो तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2x। अब इसके सापेक्ष अवकलन करिए, d by dx यहाँ पे t स्क्वायर और d by dx साइन 2x, t स्क्वायर हो जाएगा 2t और dt/dx और साइन का होगा cos 2x और 2x का दोबारा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा cos 2x इंटू 2 × 1 और 2dt/dx, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, dt बराबर cos 2x dx, यहाँ आ जाए, यहाँ पर t लिख दीजिए, इस पूरे जगह dt लिख दीजिए और t का होता है t² / 2 + c, तो 1/2 t का मान रख देंगे, t² का मान sin 2x प्लस सी। सवाल नंबर 6, अंडर रूट 10x साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इसमें यहाँ पर dx, अंडर रूट को ही माना जाएगा, माना t बराबर अंडर रूट टेन 2x, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, टेन 2x, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx इधर भी और d/dx इधर भी, t² का हो जाएगा 2td/dx और टेन एक्स का होगा sec²x, sec को लिख सकते 1/cos²x, 2dt/dx, 2t कॉस होता चला जाएगा, cos²dt/dx, अब चेंज करिए, आई बराबर इसके जगह t लिख देंगे, ds जगह लिख देंगे 2t और cos²xdt / dt लिखेंगे, यहाँ पर साइन x और cos x, cos से cos काट दीजिए, ऊपर 2 बाहर t², ये साइन एक्स, ऊपर वाला कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, t² का मान फिर 10x रख देंगे और यहाँ dt और यहाँ भी 10x और यहाँ dt, 10x कैंसिल हो गया, 2 × 1 dt, तो ये आ जाएगा t + c, t का मान रख देंगे √10x + c। सवाल नंबर 8, आई बराबर साइन एक्स अंडर रूट a² - cos x dx, और फिर रूट को मानिए, माना t = √a² 1
माइनस कॉस एक्स दो तब वर्ग टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, फिर इसका एस के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स टी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ब्रेकेट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका टू डी टी अपॉन डी एक्स जीरो, यहाँ माइनस साइन एक्स टू डी टी बराबर प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए सवाल को साइन बदल जाएगी साइन एस डी एक्स और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, इसकी जगह टी इस जगह टू टी डी टी, टू बाहर टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर होता थ्री बाई थ्री प्लस सी टू बाई थ्री, टी की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स की पावर थ्री प्लस सी। सवाल नंबर 12 आई बराबर इंटीग्रल निशान डी एक्स कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देखिएगा इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या करेंगे कॉस ए माइनस बी का नीचे गुणा ऊपर कॉस ए माइनस बी डी एक्स, बाकी नीचे जो लिखा लिखा रह दीजिए कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, फिर बराबर ये लिखा हुआ लिखा रह दीजिए कॉस ए माइनस बी कॉस में एक्स प्लस और माइनस जोड़ दीजिए और प्लस ए माइनस बी बटे नीचे कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। अब देखिए एडजस्टमेंट नीचे एक्स प्लस ए है और ये क्या है एक्स प्लस बी, ऊपर वाले प्लस प्लस के साथ बनाइए, यहाँ कॉस ए माइनस बी प्लस के साथ लेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए में माइनस कॉमन ले लो दोनों से तो यहाँ पर एक्स प्लस बी बन जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट और नीचे जैसा लिखा लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, फिर से ये ऐसे लिख दीजिए कॉस ए माइनस बी, इसमें सूत्र लगा दीजिए कॉस ए कॉस बी यहाँ माइनस यहाँ प्लस साइन ए साइन बी डी एक्स, जो हर है दोनों साथ अलग अलग कर दीजिए कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। आप देखेंगे ये इसमें कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, फिर देखिए आई इंटीग्रल वन अपॉन कॉस ए माइनस बी कॉस बटे साइन ब्रेकेट लगा दीजिए हो जाएगा कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स,
ठीक। इसको देखिए, प्लस इंटीग्रल निशान साइन बटे कॉस टेन डी एक्स, करेक्ट। अब इसको मान लीजिए, इसको मानेंगे, माना टी बराबर एक्स प्लस बी, एस के सापेक्ष अवकलन, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी। यहाँ डी टी बाई डी एक्स वन प्लस जीरो, तो डी टी बराबर डी एक्स। ऐसे ही माना टी बराबर एक्स प्लस, क्योंकि टी मान चुके, दूसरा मान लो एम, एस के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स एम, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए, तो डी एम अपॉन डी एक्स बराबर वन प्लस जीरो, तो डी एम बराबर डी एक्स। इस कॉस को ले सकते हो सेट ए माइनस बी, ब्रैकेट यहाँ कॉट टी डी टी, यहाँ पर टेन एम डी एम सेट ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा लॉग साइन टी प्लस, यहाँ आ जाएगा लॉग माइनस लॉग कॉस एम, फिर आओ सेक ए माइनस बी लॉग साइन टी अपॉन कॉस एम प्लस सी, यहाँ कॉन्स्टेंट सी लगाएंगे, फिर सेक ए माइनस बी लॉग टी के जगह मान रख दीजिए साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी आंसर। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, पहले कॉस साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉस को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना हो कॉस का ही ऊपर नीचे गुणा करना है। फिर ए माइनस बी था, नीचे प्लस प्लस का स्टेटमेंट था, तो हमने एक्स और माइनस घटाया, प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस साथ रख के यहाँ बन गया फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों को अलग अलग कर लिया, कुछ देखा मैंने कट गया, जो बचा कॉट टेन बचा, इसको मान लेंगे टी, इसको मान लेंगे एम, फिर साइन टी आ जाएगा, लॉग कॉस एम आ जाएगा, लॉग में एम अपॉन एन का फार्मूला लग जाएगा और वैल्यू रख देंगे, ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। बाकी से सवाल सेम बिल्कुल है, मानना है कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा सवाल। That's all.